हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट पॉपुलर स्वीट रेसिपी, नारियल की बर्फी या कोकोनट बर्फी, एकदम हलवाई स्टाइल में या मार्केट स्टाइल में। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, साथ ही इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस बर्फी को बनाने के लिए हम केवल दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, फ्रेश कोकोनट और शक्कर, ना ही खोवा ना ही कंडेंस मिल्क, और बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बर्फी दिखा रही हूँ तोड़कर, आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा जूसी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आइए बनाते ऐसा टेस्टी कोकोनट बर्फी। तो इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक फ्रेश कोकोनट, इस तरीके से जो फ्रेश कोकोनट होता है वो हमें लेना है। ताज़ा नारियल लेने के बाद इसे हम फोड़ लेते हैं, छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो इस तरीके से छोटे टुकड़े करने के बाद इसका छिलका उतारना है, ऊपर वाला। आप चाहो तो रख भी सकते हैं, बट छिलका उतारने से ठीक रहेगा। छिलका निकालने के बाद इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अगर हम लोग ऊपर का छिलका निकालते हैं तो हमारी जो बर्फी है एकदम सफ़ेद रहेगी मार्केट स्टाइल में। और ये जो छिलका है इसको आप चटनी में डाल सकते हैं या फिर सब्जी में डाल सकते हैं। अब नारियल के जो टुकड़े हैं उसको मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। ग्राइंड करते समय हमें इसको ऐसे ही ग्राइंड करना है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ एक पैन में, जिस पैन में हमको बनाना है उस पैन में। तो अभी मैंने एक मेजरिंग कप लिया है, मेजरिंग कप में मैं कोकोनट डाल रही हूँ। तो मैं कोकोनट इसलिए काउंट करके डाल रही हूँ ताकि शक्कर हम लोग परफेक्ट ले सके। तो अभी मैंने एक कप लिया है और ये एक कप से थोड़ा सा कम है, अराउंड दो कप हमारा कोकोनट है। अब इसे मैं ऐसे ही सूखा भून रही हूँ, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, घी या कुछ और नहीं डाला है, डायरेक्टली कढ़ाई पे मैं इसे ऐसे ही थोड़ा सा भून रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप, ये आधा कप है, उससे मैंने आधा कप शक्कर डाला है। शक्कर यहाँ पे मैंने दो कप के लिए आधा कप यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि पहले तो ये गीला हो जाएगा, गीला होने के बाद ये पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है, इस तरीके से शक्कर की जो नमी है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक उसे हमें पकाना है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून घी। घी डालने से ये पैन में चिपकेगा भी नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, बट हमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं इलायची पाउडर नहीं यूज़ कर रही क्योंकि फ्रेश कोकोनट है, इसकी खुशबू ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। अब मैं थोड़ा सा नारियल लेके इस तरीके से चेक कर रही हूँ, अगर बॉल बन रहा है मीन्स हमारा बर्फी के लिए बैटर बन के रेडी है। अब थोड़ा सा मिक्स करके मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ, हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, नहीं तो जो बर्फी है वो हार्ड बनेगी। अभी मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन लेकर इसको मैं घी से हल्का ग्रीस कर रही हूँ ताकि बर्फी काटने के बाद निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो बर्फी का मिक्सचर है वो मैं डाल रही हूँ इस बर्तन में, डालकर इसको इस तरीके से अच्छे से टैप करके मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट डालूँगी। ड्राई फ्रूट में यहाँ पे मैंने पिस्ता डाला है, आप चाहो तो बादाम, काजू, जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बर्फी को कट कर रही हूँ, आप इसको जिस साइज़ में या शेप में चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं। उसके बाद इसे हमें सेट होने के लिए छोड़ देना है। फ्रिज में आप इसे रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, दो घंटे में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब दो घंटे हो गए हैं, दो घंटे के बाद मैं आपको बर्फी निकाल के दिखा रही हूँ। ये बर्फी आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी बना सकते हैं, बट अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट से बनाओगे तो इसे एक घंटे दूध में भिगो के रख देना। आप जितना कोकोनट कर लोगे उतना ही अमाउंट दूध लेके भिगा देना और सेम ऐसे ही बनाना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। बट फ्रेश कोकोनट की बर्फी का टेस्ट ही एकदम अलग होता है। अब मेरे सारे बर्फी बन गए हैं, अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।